नवंबर यूथ कांग्रेस का युवा जोड़ो अभियान, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश। नवंबर में यूथ कांग्रेस ने युवा जोड़ो अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर कई युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बता दें कि यूथ कांग्रेस ने पूरे राज्य में युवाओं को जोड़ने का अभियान छेड़ रखा है। इसी क्रम में नवंबर में युवा जोड़ो अभियान चलाया गया। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की सचिव ऋषिका राका ने कहा कि हम कांग्रेस से युवाओं को जोड़कर मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं। वहीं नवंबर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुबिन थॉमस ने कहा कि हम सेकुलर विचारधारा रखने वाले युवाओं को पार्टी से जोड़कर भाजपा के धार्मिक उन्माद को टक्कर देंगे। नवी मुंबई में यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बड़े पैमाने पर नवी मुंबई यूथ कांग्रेस में आज युवाओं को जोड़ा गया, युवा जोड़ो अभियान के अंतर्गत। इसी के साथ साथ शेतकड़ियों के खिलाफ जो मोदी गवर्नमेंट गलत स्टेप्स उठा रही है, उसके तरफ भी हमने आवाज़ उठाने का बहुत बड़ा काम यहाँ से किया है। अध्यक्ष माननीय सत्यजीत दादा तांबे के निर्देशन में जो युवा जोड़ो अभियान पूरे महाराष्ट्र स्टेट में चालू है, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे युवाओं को आज यूथ कांग्रेस, नवी मुंबई यूथ कांग्रेस में प्रवेश करवाया है। आज नई मुंबई युवक कांग्रेस ने भी हस्ताक्षर मुहिम चालू की है और पूरे महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के माध्यम से युवा जोड़ो अभियान जो पिछले 6 महीने से चल रहा है, जिसकी महाराष्ट्र समन्वयक खुद ऋषिका राका जी हैं, और पूरे महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में सतीश दादा तांबे जी के नेतृत्व में हजारों लाखों के तादाद में युवा यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं और यूथ कांग्रेस संगठन पहले से ज्यादा काफी मजबूत हुई है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।